विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हमसे यहाँ पर पूछा गया है, इनमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर किसमें होगा। फर्स्ट है हमारे पास O2+2, इलेक्ट्रॉन हम काउंट करें O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, O2+2 दो इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। F2-2, F2 में होते हैं 18, माइनस टू मतलब कि 20 इलेक्ट्रॉन। O2-2 18 इलेक्ट्रॉन। H2- मतलब कि हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हमें बताना है। एक तो हम सभी का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। इस मेथड से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लेकिन वो क्या होगा हमारे लिए लेंथी हो जाएगा, ये प्रोसेस हमारे लिए क्या होगा लेंथी होगा। तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व करने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं, हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और यहां हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना और एक इलेक्ट्रॉन कम करने पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वहां पर 0.5 में डिक्रीज होता है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, 15 में होगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन में होगा 2, 17 इलेक्ट्रॉन में होगा 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन में होगा 1, 19 इलेक्ट्रॉन में होगा 0.5, और 20 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब बॉन्ड ऑर्डर होगा 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 इंडिकेट करता है वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से हम बात करें 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन का होगा 2, ऐसे हम सो ऑन आगे कर सकते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन का होगा 1.5, ऐसे सो ऑन आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो ए है हमारे पास में O2+2, 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। बी है हमारे पास में O2-2, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1। सी है हमारे पास में F2-2, 20 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0। H2-, इसको हम कैलकुलेट करें, H2- को हम कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे σ1s2 σ*1s1। तो यहां हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो होगा 2-1/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 1 है, तो 2-1/2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5। तो H2- का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 0.5। यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शनल है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा फ्रैक्शनल 0.5 आ रहा है। और एक और हमें हम इसको इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन का काउंट जो है वो क्या होगा ओड नंबर में आता है, 1, 3, 5, 7, 9, ओड इलेक्ट्रॉन जब भी आता है ओड इलेक्ट्रॉन, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होता है फ्रैक्शनल होता है ओड इलेक्ट्रॉन का। जब बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है हमारा ओड इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होता है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है। हम चाहते तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे, पर फिर भी हमने प्रूफ भी कर लिया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है H2- का 0.5।